से छाओ डिजाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 10 फीट बाई 23 फीट में एक प्लान बना हुआ है जो कि 230 स्क्वायर फीट में होगा, मात्र 25 गज में आपको मिलने वाला है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इस प्लान के वेंटिलेशन डायमेंशंस, इस प्लान की कॉस्ट वगैरह क्या है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस प्लान की चौड़ाई की बात करें तो आपकी 10 फीट की होगी, जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 23 फीट की होगी। आप अपने किसी भी छोटे प्लॉट के लिए इजीली आइडियाज़ ले सकते हैं। अगर आप भी हमसे नक्शा बनवाने की सोच रहे तो ईजिली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको हमारा नंबर स्क्रीन पर शो ही हो रहा होगा। इस साइड अपना आप दो तीन स्टेप वगैरह दे पाएंगे, इस साइड अपना आप प्लांट वगैरह लगा पाएंगे। इस साइड का तो ये एक आपको मेन गेट मिलेगा जो कि हमने 5 फीट का मेन गेट दिया हुआ है। इसी गेट से एंटर हो तो काफ़ी आपको पार्किंग एरिया मिलेगा। इस पार्किंग एरिया की बात करें तो आपकी 5 फीट बाई 9 फीट में आपको पार्किंग एरिया मिलेगा। इस साइड अपना आप बाइक वगैरह इजिली पार्क कर पाएंगे। इसी साइड अपने सेपरेट टैंक की ओवर टैंक भी आप इजिली बना पाएंगे, जिसमें आप इजिली वाटर वगैरह स्टोर कर पाएंगे। फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए हमने स्टेयर्स दिए हुआ है। स्टेयर्स की चौड़ाई की बात करें तो आपकी 2.5 फीट की होगी, जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 12 फीट की होगी, जो कि 3 फीट की लैंडिंग इसकी बाहर निकलने वाली है, जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर पर ले जाने वाली है। फर्स्ट फ्लोर पर भी इजिली इसमें 1 बेडरूम का पोर्शन आपका आने वाला है। अब इसी साइड की तो ये आपको किचन का गेट मिलेगा, जिसमें हमने 2.5 फीट का गेट दिया हुआ है। इसी गेट से एंटर होती काफ़ी आपको किचन मिलेगा। अब इस किचन के एरिया की बात करें तो आपकी 7 फीट बाई 4 फीट में आपको किचन मिलने वाला है, जो कि काफ़ी स्पेशियस साइज़ का आपको किचन मिलेगा। इसमें आपके स्लैब चूल्हे और कैबिनेट वगैरह आप इजीली एडजस्ट कर पाएंगे, जिसमें आप इजीली अपना कुकिंग वगैरह कर पाएंगे, अपने सिंक वगैरह इजीली एडजस्ट कर पाएंगे। कुछ वॉल वगैरह पे आप टाइल्स वगैरह का यूज़ कर पाएंगे, जिसमें इजीली अपना टाइल वगैरह इजीली वॉश कर पाएंगे। इसकी वेंटिलेशन की बात करें तो सामने के साइड द्वारा हमने विंडो वगैरह दिया हुआ है, जिसके द्वारा इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसी के द्वारा इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। इसी के द्वारा इसकी स्मेल स्मोक वगैरह सब इसी विंडो के द्वारा एग्जॉस्ट होती रहेगी, जो कि आप इजीली आप अपना चाहे तो एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगा पाएंगे। अब इसी गेट से बैक हो तो ठीक इसी गेट के बराबर में एक आपको गेट मिलेगा, जो कि आपको बेडरूम का गेट मिलने वाला है। अब इसी गेट से एंटर हो तो काफ़ी आपको बेडरूम मिलेगा। इस बेडरूम के एरिए की बात करें तो आपकी 7.5 फीट बाई आपका 10 फीट में आपको बेडरूम मिलेगा, जिसमें आपके डबल बेड वगैरह आप इजली एडजस्ट कर पाएंगे, अपना आप साइड टेबल वगैरह जिसमें इजली अपना लैम्प वगैरह इंस्टॉल कर पाएंगे। कुछ वॉल वगैरह पर हमने वॉलपेपर का भी यूज़ किया हुआ, इसी प्रकार कुछ अपना वॉल वगैरह पर इजली अपना वॉलपेपर वगैरह लगा पाएंगे। इस साइड का तो ये हमने अलमीरा वगैरह भी दिया हुआ है, जो कि आप इजली वॉल वगैरह में अपना कवर दिया हुआ है हमने, जो कि आप इजली इंस्टॉल वगैरह करवा पाएंगे। अब इसके वेंटिलेशन की बात करें तो वेंटिलेशन के लिए हमने पार्किंग साइड द्वारा एक विंडो वगैरह दिया हुआ है, जिसके द्वारा इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसी के द्वारा इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी अपनी बनी रहेगी बेडरूम वगैरह में। एक विंडो हमने OTS के द्वारा भी दिया हुआ है, जिसके द्वारा भी इसका प्रॉपर वेंटिलेशन और रोशनी अपनी बनी रहेगी बेडरूम वगैरह में। इसी बेडरूम से अटैच एक आपको टॉयलेट वॉशरूम मिलेगा, जिसमें हमने 2.5 फीट का गेट दिया हुआ है। इसी गेट से एंटर होती काफ़ी आपको टॉयलेट वॉशरूम मिलेगा। इस टॉयलेट वॉशरूम के एरिए की बात करें तो आपकी 6.5 फीट बाई 3 फीट में आपको टॉयलेट वॉशरूम मिलेगा। इसमें आपके टॉयलेट सीट और शावर वगैरह आप इजीली एडजस्ट कर पाएंगे। आप चाहे तो वॉल वगैरह पे टाइल वगैरह का यूज़ कर पाएंगे, जिसमें आपको सीलिंग पर सिल्क कोल में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके वेंटिलेशन की बात करें तो वेंटिलेशन के लिए हमने OTS द्वारा विंडो वगैरह दिया हुआ है, जिसके द्वारा इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसी के द्वारा इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। इसी विंडो के द्वारा इसकी स्मेल स्मोक वगैरह सब इसी विंडो के द्वारा एग्जॉस्ट होती रहेगी। अब इसी के बैक में एक आपको OTS मिलेगा। इस OTS के एरिया की बात करें तो आपकी 3 फीट बाई 2.5 फीट में एक आपको OTS मिलेगा। इसके ऊपर अपना ओपन जार डालने वाला है। इसी के द्वारा इसका वेंटिलेशन वगैरह अपना प्रॉपर बना रहेगा। इस प्लान की टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो ये प्लान 3 से 3.5 लाख में आपका बनने वाला है, जो कि आप चाहे तो बनवा सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।